नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा दावा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई नेता मेरे संपर्क में हैं। कमलनाथ का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता राजी होंगे तभी इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। समंदर पटेल भी हमारे कार्यकर्ताओं की मर्जी से ही पार्टी में आए हैं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में कुछ नेता आए हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो कि पहले कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे लेकिन अब वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं और उनको लेकर के ये बयान दिया गया है। और ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शायद कमलनाथ को लगता है कि यदि ये नेता बीजेपी से वापस आ रहे हैं तो क्या जो पहले से मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है। और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता हामी भरेंगे तभी बीजेपी से आने वाले इन नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा। तो ये एक बड़ा बयान है और आने वाले दिनों में जैसे ही चुनाव में होता है, आपको मालूम है कि किस तरह से चुनाव के मौसम वैज्ञानिक जिसको कहा जाता है कि जो नेता कुछ नेता ऐसे होते हैं हर राज्य में प्रदेश में देश के लेवल पे भी होते हैं जिनको ये पता चल जाता है किसकी सरकार आने वाली है या किसकी सरकार जाने वाली है, वो पल समझते हैं। तो वो चुनाव से पहले जो है पार्टियां बदल लेते हैं, ऐसे नेताओं को की एक लंबी फहरिस्त है। और इसी के वजह से बीजेपी के नेता का कांग्रेस में आने का सिलसिला सर एक तरह से लगा हुआ है। हाल के दिनों में कुछ विधायक बीजेपी के उन्होंने इस्तीफा दे करके तो जी हाँ, तो हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। अनुराग द्वारी के पास चलते हैं। अनुराग है हमारे साथ, जुल्फी भी रायपुर से जुड़ गए। अनुराग, सबसे पहले आपके पास आता हूँ कि ये इस बयान का क्या मतलब है कि पार्टी कार्यकर्ता कहेंगे तभी जो है हम अपने पार्टी में आने देंगे, तो क्या कोई वोटिंग होगी? कैसे पता चलेगा कि पार्टी कार्यकर्ता ने हाँ कर दिया है तो आप इन्हें शामिल करा लीजिए? बाबा, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि कमलनाथ जिसके नाम पर हाथ रख देंगे पार्टी कार्यकर्ता उनको हाँ कर देंगे। बहरहाल, जो आपने सही कहा और ख़ास करके जो ग्वालियर चंबल का इलाका है, अगर आप देखेंगे बाबा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ रहा है वहाँ से लगातार बीजेपी के नेता, चाहे वीरेंद्र रघुवंशी हों या इसके पहले चार पाँच और कद्दावर नेता हों, शुरुआत हुई थी दीपक जोशी जो संघ के और बीजेपी के कद्दावर नेता मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के सुपुत्र थे और मंत्री भी रहे थे, उन्होंने जब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया देवास से आते हैं। और उसके बाद लगातार किसी न किसी महीने में एक या दो बड़े बड़े नेता बीजेपी से कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। और मैं आपको पुख्ता तौर पर बता सकता हूँ कि कम से कम चार और ऐसे मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के जो पाला बदल कर कांग्रेस में जाना चाह रहे हैं। और कमलनाथ के बयान का निहितार्थ इसी में है कि जब पार्टी कहेगी, पार्टी के कहने का मतलब है बाबा, आप भी जानते हैं कि जो स्थानीय स्तर पर अगर कोई दूसरी पार्टी से किसी और पार्टी में जाता है तो जो उस पार्टी का प्रत्याशी है, उस पार्टी का उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदों को झटका लगता है और कहीं ना कहीं कोई सबोटाज ना हो जाए, कहीं ना कोई अंदर में अंदर खाने विरोध इतना तेज़ ना हो जाए कि जीती जाती बिसात को हारना पड़े, इसलिए अंदर मंत्रणा करना ज़रूरी है। बहरहाल, अभी अभी ये भी पता लगा है कि जो सीता शरण शर्मा जो पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं, छः दफ़े के विधायक हैं और उनके भाई दो दफ़े के विधायक बीजेपी से रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं गिरजाशंकर, उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग, हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव से पहले आया राम गया राम चलता रहता है, इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो और ये भी मान के चलना पड़ेगा कि बीजेपी में इस बार भी लगभग 30 से 40 मौजूदा विधायकों के टिकट कटेंगे, तो कहीं ना कहीं जिन उम्मीदवारों को ये पता लग रहा है बाबा कि उनकी टिकट पर शायद संदेह है, हो सकता है कि वो पार्टी पहले छोड़ना पसंद कर रहे हों। जी, आपने सही कहा। मेरा सवाल यही था कि जिन जिन MLA को लग जाता है कि इस बार टिकट नहीं मिलेगा वो दूसरी पार्टियां देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए सिरदर्द है या कई बार बोलते हैं कि दिस इज गुड हेडेक, तो ये कैसा हेडेक है? बुरा हेडेक है या गुड हेडेक है?
देखिए बाबा, मैं तो लंबे वक्त से हेडेक की समस्या से जूझता रहा हूँ और मेरा सिरदर्द डिस्प्रिन खाने से ठीक हो जाता है, लेकिन ये सिरदर्द जो बीजेपी का है वो डिस्प्रिन खाने से ठीक होगा या नहीं, खास करके ग्वालियर चंबल से ही ये बात आती है। तो हमारे साथी मोहन बघेल जो बहुत लंबे वक्त से गुना से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि इस वक्त उनके इलाके में क्या हालत है। मोहन, आपके इलाके में कुछ और लोग हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में जाना चाह रहे हैं, दो नाव की सवारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही का मामला आप देखिए, जैसे चूंकि प्रियंका को जो टिकट मिला है पैंची चांचौड़ा को, उससे जो ममता मीना है वो खासी नाराज हैं, और देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी अब बीजेपी के तमाम और भी लीडर हैं उनको टिकट दिलाने में उनकी दिलचस्पी है। जैसे अभी एक प्रद्युम्न मीना का नाम सामने आया है, एक और भी उन्होंने नाम सुझाए हैं पार्टी को लेके। तो तमाम जो बीजेपी के अंदर के जिनको लग रहा है डर कि हमारे जो पार्टी के टिकट हैं उनको कटने का डर है, तो इस वजह से लोग अब पहले से ही अपनी जगह तलाश रहे हैं। जैसे शिवपुरी में अभी देखने में आया, वो एक विधायक के जो अभी वीरेंद्र रघुवंशी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो जो जिनको पहले से एहसास हो रहा है वो निश्चित तौर पर उनके आने से कांग्रेस के समीकरण अंदरूनी तो नहीं बिगड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के बाकी इससे, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि जो पार्टी बीजेपी को जरूर इससे नुकसान होगा कि देखने में आ रहा है कि तमाम कांग्रेस तो अपनी एक जो रणनीति है वो बना के तो काम कर ही रही है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, और बीजेपी के कई आला नेता कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को और उनके बेटे को इस बार राघवगढ़ में और आसपास ही घेरने की तैयारी चल रही है। आपको लगता है कि उनका जो अजेय किला है वहाँ पर उनको ढहा सकती है बीजेपी विधानसभा चुनाव में? तमाम आप देखिए, खुद जो अभी प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और एक से एक दिग्गज वहाँ पे जाके, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ की जो जनता है कहीं ना कहीं उनका किले के प्रति गहरा लगाव है और तो उनको वहाँ से हराना मुश्किल होगा। और चूंकि अब देखिए आप तमाम पिछले बार उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की, इसके बाद अभी भी पूरा विजिट पूरा मध्य प्रदेश दोनों लगे हुए हैं, जयवर्धन सिंह जी भी लगे हैं, इधर दिग्विजय भी लगे हैं। ये तमाम जो नेता छोड़ रहे हैं वो दो मंत्रियों के, एक ग्वालियर के प्रद्युम्न सिंह तोमर और आपके इलाके से महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनको निशाने पर क्यों रख रहे हैं? चूंकि कहीं ना कहीं जो है ये महाराष्ट्र से जुड़े हुए, चूंकि महल से जुड़े हुए हैं, और अब चूंकि पार्टी इन्होंने बगावत करके बीजेपी में आए, तो जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इनको, चूंकि अब इनकी कार्यशैली उनको नहीं भा रही है या ये नहीं कुल मिला के कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, जो दिक्कत हो रही है ये भी वजह हो सकती है। तो बाबा देखिए, स्थानीय स्तर पर जैसा कि मोहन बता रहे थे, कई बार ये समस्या आती है कि आप दूसरी पार्टी से आयात करके नेता ले तो आते हैं, लेकिन उससे जो आपके स्थानीय समीकरण है वो बिगड़ जाते हैं, और यही कुछ हो रहा है कम से कम ग्वालियर चंबल संभाग में बाबा जी।